स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने चैनल प्राकृतिक ज्ञान से। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं रांची गार्डनिंग में। तो दोस्तों ये गर्मी का सीज़न अब शुरू हो गया है और मैंने अपने कई प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स जो थे परमानेंट थे सीजनल थे उसे मैं थोड़ी सी छांव साइड में रख दिया हूँ। और छांव साइड में मतलब दोस्तों जिधर मेरे पेड़ है उसकी छांव बनती है उस तरफ। और देखिए मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर खिले हुए मैं वो सारा कुछ आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये हिबिस्कस है, कुछ उसी के बगल में हैज है, शूशाइन वाइन है और उसी के बगल में ये रोज़ है। ये लताओं वाला रोज़ है दोस्तों, वाइट कलर का है और वाइट सुसाइन और ये येल्लो। और पॉइंसेटिया का फ्लावरिंग अब जा रहा है और मैं इसे ज़मीन में लगाया था। देखिए कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। और ये देखिए मेरा कटहल जैकफ्रूट अब ये तैयार हो गया। और ये पिटूनिया को मैं थोड़ा सा सेडी इलाका में रख दिया हूँ ये इम्फेसिस। और अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और इसके फ्लावर देखने में बहुत ब्यूटीफुल और अच्छे लगते हैं। क्योंकि दोस्तों बगान में अगर फ्लावर खिले ना हो तो वो अच्छा नहीं दिखता है। ये पिटूनिया देख रहे हैं और कुछ उधर साइड मेरे प्लांट थे अब मैं इसे शेडी एरिया में रख दिया हूँ। गेंदा ये देखिए अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देखिए एलाइशियम। और दोस्तों मैंने इसे प्योरीट के डब्बे में लगाया था ये देखिए और कितना ज़्यादा बूशी हो गया है। और इधर बोगनवेलिया देखिए और टिकोमा ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। ये मेरा एक साल पुराना हो गया है, मैंने पिछले साल जनवरी में बाय किया था और काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। और सभी में मैं अपने किचन वेस्ट खाद डालते रहता हूँ, लीफ मोड डालते रहता हूँ। और आज हम बात करेंगे दोस्तों ये मधुकामनी प्लांट और मैं इसे ग्राउंड लेवल में लगाया हूँ। और ये अभी के मौसम से गर्मी बरसात तक काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और इसकी भीनी भीनी जो खुशबू होती है शाम के वक्त काफ़ी खुशनुमा वातावरण को बना देती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के संग शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए इस प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी हार्डी प्लांट है और इस प्लांट को धूप काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगर इसकी जड़ों में मिट्टी में मॉइस्चर बनी हुई रहेगी तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और इसके फ्लावर काफ़ी गुच्छों में आते हैं, फ्लावर खिलने के बाद कुछ अंतराल में फिर ये फ्लावरिंग करते हैं। ये देखिए वर्बीना ये भी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है, इधर देखिए और ये देखिए बेली जैस्मिन ये भी अब फ्लावरिंग शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस मधुकामनी के प्लांट को गमले में लगा रहे हैं तो हमेशा बड़े गमले की साइज़ सुनिए। और मैं तो हमेशा एक बार गार्डन सॉइल थोड़ी सी सैंड और खाद का यूज़ करता हूँ। और जब भी लगाएं आप उसे अच्छी तरह सॉइल बना लीजिए, मिक्सर कर लीजिए और उसे लगाएं। और तो उसमें ये प्लांट्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ करते हैं और समय समय पर इसे कटिंग करते रहिए, नहीं तो ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इसे हम हैज के रूप में भी लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर दिखता है और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। और देखिए मैंने मधुकामनी के नीचे ही ये सब प्लांट को रख दिया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी छांव इधर मिल जाती है। और ये देखिए एम्फेसिस। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, कटिंग से और बीज के माध्यम से काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है। और खाद की बात करें तो आप इसमें हमेशा वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करता है ये प्लांट्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।